हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको मैं ये इन्फॉर्मेशन बता दूं कि बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में टाटा पंच का जो फेसलिफ्ट है वो लॉन्च होने वाला है। एज वी ऑल नो कि इसका ईवी वेरिएंट जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड इस गाड़ी के फेसलिफ्ट का जो वेट है वो काफी लोगों को काफी समय से है। तो चलिए बात करते हैं हम इस गाड़ी के बारे में। एज वी ऑल नो कि ये जो गाड़ी है 2021 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद से इस गाड़ी का कोई भी अपडेटेड वर्जन नहीं आया है अभी तक। हालांकि इसका हमें जो है ईवी वेरिएंट जो देखने को मिला। एंड अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के बारे में तो इसमें आपको पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, वो भी इसके फेसलिफ्ट के साथ। तो बात करते हैं इस गाड़ी के फेसलिफ्ट के बारे में, इसके मिलने वाले चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं केवी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। तो बात करें इस गाड़ी के बारे में, इसके मेजर चेंजेस की बात करेंगे तो वो होने वाले हैं इसकी आउटर लुक्स में। आउटर लुक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सिमिलर इसका डिजाइन देखने को मिलेगा इसके ईवी वेरिएंट की तरह, जिसमें आपको स्लीक एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाएगी, 16 इंच के न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, 360 पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में आपको ऑफर किया जाएगा एंड लेवल 2 का अडास सेफ्टी सिस्टम भी इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके अगर एक्सटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको न्यू एलईडी शेप्ड न्यू रियर टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे एंड इसी के साथ साथ डिफॉगर रूफ एंटीना एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसकी आउटर लुक का होने वाला है इसके अलॉय व्हील्स, जिसमें आपको 195-60 सेक्शन के टायर देखने को मिलेंगे जो कि 16 इंच के अलॉय व्हील्स होने वाले हैं। ये न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स होंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो डिजाइन होने वाला है ये आपको लगभग वेन्यू के जैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो अलॉय व्हील्स हैं सिमिलर वैसे थोड़े से डिजाइन किए गए हैं, लगभग मिलते जुलते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी ऑफर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिलेगी। ये थी बातें इसके एक्सटीरियर के बारे में। अब बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में आपको ये गाड़ी बहुत कुछ ऑफर करने वाली है इस प्राइस बजट में। इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू डिजाइन इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपको सिमिलर नेक्सॉन हैरियर इसके पंच के ईवी वेरिएंट में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको इसमें मिल जाएगा न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 10.8 इंच की डिस्प्ले, जिसमें आपको एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, वो भी वायरलेस। इसी के साथ आपको इस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग ऑफर की जाएगी टाइप सी, आपको पॉइंट्स आपके फ्रंट एंड रियर में देखने को मिलेंगे एंड आपको यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा। मेजरली इसमें अगर एडवांस फीचर्स की बात करो तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स इस गाड़ी में इस प्राइस रेंज में ऑफर की जाएंगे। इसी के साथ साथ जो ड्राइविंग सीट है वो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल भी देखने को मिलेगी। कूल्ड ग्लोव बॉक्स का ऑप्शन जो है वो इस गाड़ी में देखने को मिल सकता है, बट सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये गाड़ी काफी ज्यादा स्पेशियस होने वाली है, क्योंकि ये एक मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी मानी जाती है, जिसमें आपको लेग रूम एंड हेड रूम काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अगर अदर कार कंपैरिजन की बात की जाए तो सनरूफ होने की वजह से आपको इसमें कैबिन स्पेस भी काफी अच्छा एंड काफी ब्राइट देखने को मिलेगा, जिससे आपको ये मिनी एसयूवी की जरा एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की फील भी देती है। इसी के साथ साथ आपको इसमें फुली ऑटोमेटिक ORVMs देखने को मिलते हैं। अब अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 1299 सीसी का इंजन ऑफर किया जाएगा, जो कि 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होने वाला है। इसमें आपको ये इंजन 87 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देगा एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस करके देगा। वहीं अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है एंड जैसे इस गाड़ी का सीएनजी वेरिएंट भी आएगा तो इसमें 24-26 किलोमीटर पर किलोग्राम की जो आपको माइलेज है वो इसके सीएनजी वेरिएंट में भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इस गाड़ी के मेजर पॉइंट्स के बारे में कि आखिर हमें ये गाड़ी लॉन्च होती दिखेगी कब, मार्केट में दिखेगी कब एंड इसका प्राइस क्या होगा। अगर इतने ज्यादा फीचर्स ये गाड़ी दे रही है तो इसके प्राइस में भी तो आपको काफी ज्यादा हाइक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो 2025 के फर्स्ट हाफ यानी कि फरवरी और मार्च के अराउंड आपको ये गाड़ी जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगी। इससे पहले ये जो गाड़ी है वो लॉन्च नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी हम जानते हैं कि टाटा ने अपना टाटा कर्व को इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल वेरिएंट में लॉन्च किया है, तो इस वजह से इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो डिले किया जाएगा। तो आपको ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में देखने को मिलेगी। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस आपको 7 lakh to 13 lakh के बीच में देखने को मिलेगा ऑन रोड। दोस्तों, इसका जो बेसिक वेरिएंट है वो 6 lakh से शुरू होता है, बट वो लगभग आपको 6.5-7 lakh रुपए में ही देखने को मिलता है। तो इसका प्राइस जो है वो 7 lakh से 13 lakh रुपए के बीच में वेरी करेगा। बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसका कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार गाइस। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब हम हमारी अगली वीडियो में।